दोस्तों, हम आलस करते हैं, आलस हमें आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूरज चांद आलस करने लगे तो हम लोगों की ज़िंदगी बंद हो जाएगी। ऐसे ही इसी बात पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा था, यही करीबन 5 साल का होगा। तो उसकी माँ ने उसे सुबह जाके उठाया, थपथपाया, लेकिन वो बच्चा उठ नहीं रहा था। तो माँ ने उसको जगाया और प्यार से और उठाया, फिर भी वो नहीं उठा। तो माँ से कहने लगा, माँ आज तो संडे है, आज तो मुझे सोने दो, माँ आज तो संडे है, आज तो मुझे सोने दो। तो बेचारी माँ क्या कहती, छोटा सा बच्चा, उसकी ज़िद के आगे कुछ ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकती है। लेकिन माँ ने बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से उसे एक जवाब दिया, बेटा अपनी खिड़की खोल कर तुम बाहर झांक कर देखो, बाहर वो फूल खिले हैं। क्या वो फूल टाइम से खिलना बंद हो जाएंगे तो हम उन्हें कभी खिलता हुआ देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये हवा अगर सोचे कि एक दिन ना चले तो क्या हम इस हवा के बिना जी सकते हैं? क्या ये सूरज अगर एक दिन ना निकले, वो ये कहे कि आज संडे है, तो क्या हमें चल जाएगा, हमारा दिन गुजर जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर एक दिन चांद ना निकले तो हम बिना चांद के भी नहीं रह सकते। अगर ये सूरज चांद सितारे और ये हवा पानी कभी आलस नहीं करते, क्योंकि उन्हें समय पर सब कुछ देना होता है, अगर वो ऐसे आलस करेंगे तो पूरी पृथ्वी ही ख़त्म हो जाएगी। है तो छोटी सी बात बच्चों वाली कि क्या ये समझाना, छोटी सी कहानी थी बच्चों की। बच्चा सुनते ही समझ गया कि जब ये आलस नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों आलस करें, हमें आलस करना ही नहीं चाहिए, हर काम समय पर और सबसे पहले सुबह उठकर, सबसे पहले सुबह उठकर, जल्दी से जल्दी उठकर अपने कामों को पूरी फुर्ती और पूरी निडरता से करना चाहिए। क्योंकि हम अगर आलस करते हैं तो वो आलस हमारी ही ज़िंदगी ख़राब करेगा। आलस करना सच में बुरी बात है, ये हमें माँ बाप और स्कूल में भी टीचर सिखाते हैं और हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अच्छे कामों को करने के लिए आलस कर जाते हैं, क्योंकि चलो आज नहीं तो कल कर ही लेंगे। लेकिन ये आलस ही तो हमें आज पीछे ढकेल देता है, हमारी तरक्की रोक देता है और हमारे सपनों को सिर्फ सपनों में ही बना रहने देता है। इसलिए दोस्तों, उठिए जागिए और पूरी जोश और पूरे होश के साथ काम पे लग जाइए, क्योंकि आपको सफलता चाहिए। सफलता त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है, और जब तक आप अपना नींद, चैन और सुकून नहीं खोएंगे, तब तक आप कभी भी सपने को सिर्फ सपना ही मानते रहेंगे, उसे सच कभी नहीं कर पाएंगे। ओके दोस्तों, बाय।